और दोस्तों यहाँ पर आज जो हम बताएंगे आपको कि आप सीड जर्मिनेशन का एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे तो आपको देखेगा सेव के बहुत से ऑप्शन हैं। सेव के ऑप्शन में से आपको कुछ ऐसे ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे जो कि सीड के जैसा रिजेंबल्स हो। तो इसमें से कौन सा लग रहा है आपको सीड की तरह? ये लग रहा है ना सीड की तरह, इसको सिलेक्ट किए और यहाँ पर ही देख लीजिए, इसको हम ले लीजिए। तो राउंडेड है तो थोड़ा सा इसको हम टैपरिंग कर देते हैं, तो ये थोड़ा सीड की तरह दिखने लगेगा। ये हो गया सीड का थोड़ा आकार ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका कलर ऐसा है तो यहाँ पर जाइए, आप होम पे जाइए, इसको पहले सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करते ही आपको देखोगे आपको ऑप्शन देखे सेव फिल, फिल करने का ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ से कलर थोड़ा चेंज चेक कर लो आप कौन सा कलर सीड का देना चाहते हो। तो जैसे ये कलर सीड की तरह थोड़ा दिख रहा है, ठीक है, इसको हमने दे दिया। और इसके चारों तरफ बाउंड्री है, देखोगे तो इस लाइन को खत्म करना है तो शेप आउटलाइन पे जाओ। शेप आउटलाइन पे जाने के बाद यहाँ पर आप इसको हटा दो, ठीक है। अभी आपका हो गया सीड। अब हमें इसमें रूट सिस्टम बनाना है, तो रूट सिस्टम कैसे बनाओगे? और थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से जाके बड़ा किया, बड़ा कर लिया साइज को। अब यहाँ पर जाके फिर हमें जाना पड़ेगा सेप वाले जो ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको चयन करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा कि विच वन यू कैन चूज एंड ड्रा द लाइन अकॉर्डिंग टू योर ओन विश। तो यहाँ पर देखो कि एक कर्व वाला, इसको हम ऑप्शन को सिलेक्ट किए। अब यहाँ पर हम इसको एक बार क्लिक करेंगे और ऐसे ऐसे खींचेंगे। देखो ये रूट मैं बना रहा हूँ, जैसे आप चाहते हो ड्रा करना है। इसमें ब्यूटी यही है कि आप उस तरह से क्लिक करते जाना, एक बार जहां पर आपको जैसे कर देना वहां पर एक बार आपको क्या है कि लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा। फिर हम ऐसे जाएंगे, देख लीजिए थोड़ा सा हम इसको मोटा करेंगे, मोटा हो गया। अब ऐसे थोड़ा सा ऐसे ही लाइन से हम जाते जाएंगे सीधे सीधे, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये ऐसे। अब यहाँ पर देखिए हो गया आपका एक मेन रूट सिस्टम हो गया। अब इसके लेटरल रूट बनाने हैं तो फिर हमको वहीं जाना पड़ेगा और वहां से शेप में से ही सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसी का सिलेक्शन करेंगे इस कर्व का। और यहाँ से अब हम इसके लेटरल लाइन बनाते हैं, ये रहा और फिर हमें वहीं जाना पड़ेगा और उसी कर्व को सिलेक्शन करना पड़ेगा। और यहाँ से जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वहाँ पर एक बार आपको जो है लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा माउस को, और फिर जहाँ पर आप चाहते हैं कि उस शेप को स्टॉप करना वहाँ पर एक बार लेफ्ट कर दीजिए, फिर आप आगे जिधर चाहे बढ़ा सकते हैं। और जब इसको छोड़ना है तो इसको लेफ्ट को आपको दो बार ऐसे क्लिक कर देंगे तो बस अब वो बन गई, ठीक। तो फिर अब जाएंगे हम वहीं पर ऐसे, फिर उसी का सिलेक्शन करेंगे और इस तरह से हम बनाते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब शूट सिस्टम को बनाएंगे। रूट सिस्टम तो बन गया, अब शूट सिस्टम को बनाएंगे। शूट सिस्टम के लिए भी हम क्या करेंगे, फिर वही हम शेप में जाएंगे और शेप में से यहाँ से लेके कर्व को फिर हम जैसे कोलिप टाइल्स बनाएंगे। तो उसके लिए फिर हमको जहाँ से स्टार्ट करना होगा वहां से एक बार लेफ्ट को क्लिक करना पड़ेगा, फिर ऐसे हमको जाना पड़ेगा आगे की तरफ निकलेंगे। फिर ये जा रहे हैं, फिर देखिए थोड़ा कॉलोप्टाइल का जैसा होता है शेप वैसे हम कर देंगे। अब फिर हमको वापस आना, जहाँ पर रोकना हो वहाँ पर एक बार लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा। फिर अब देखिए हम आ रहे हैं पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ। अब इनको दोनों को एक करना है, तो याद रखिएगा ऐसे जब सटा देंगे जो लाइन यहाँ पर थी तो ये फिल हो जाएगा पूरा आपका। देख देखिए फिल्ड सिस्टम, जैसे आप फिल्ड सिस्टम की तरफ देखने लगा, जैसे कि आगे जब मिला देगा लाइन को ये फिल्ड हो जाएगा, तो बाद में आपको कलर देने में आसानी हो जाएगी। तो ये मान लीजिए आपका एक कोलिप्टाइल हो गया। अब आपको प्राइमरी लीफ सेकेंडरी लीफ बनानी है तो लीफ के फिर उसी वहीं पर जाके इस कर्व को सिलेक्शन कीजिएगा और अब प्राइमरी लीफ बनाइए। तो इसी में से आप यहीं से स्टार्ट कीजिए एक बार लेफ्ट देकर क्लिक, और ये जो है आपका इसमें से ऐसे ऐसे जैसा आप लीफ का शेप देना चाहते हैं वैसे आप देख सकते हैं। इसका एक ब्यूटी है कि
आप जहां जहां जैसे क्लिक करेंगे वो उसी शेप में आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए उसे सटाया तो एक हो गया, अब ये हो गया आपका लीव। तो ये थोड़ा दूर दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा आप इससे कर लीजिए ऐसे, और इसमें ऑप्शंस हैं जैसे भी इसको आप मूव कर सकते हो, तो ऐसे मान लीजिए इसको ऐसे कर लीजिए। तो ये थोड़ा ऊपर दिख रहा है तो आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर ऑप्शन है इसको बैक करने का, अब तो यहाँ पर बैक कर दीजिए इसको। अब ये जैसे लगेगा कि इसमें से ही निकला है ये, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, ये यहाँ पर ऐसे जैसे लगा कि ये इसी बीच निकला, ठीक है। अब ये एक लीफ हो गया, इसी तरह से अब आपको दूसरी लीफ बनानी है। तो इवन आप इसी का जो बनाया हुआ इसी का सिलेक्शन करो, कॉपी करो और पेस्ट करो, और अब इसको ये बना हुआ लीफ है, लीफ क्या शेप है, आप ऐसे कर दो थोड़ा सा, यहाँ से आपका ये लीफ हो गया, ये बाहर की तरफ दिख रहा है। फिर आप वही जाइए यहाँ पर फॉर्मेट में सेंड बैक कर दीजिए, तो ये इसके पीछे चला गया। थोड़ा सा आप जहाँ पर चाहेंगे वैसे कर सकते हैं ऐसे, और ये थोड़ा इसका साइज बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे लीफ का साइज आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप चाहते हैं कि इन इंटर नोड आगे की तरफ बढ़े, जो इंटर नोड और नोड स्टेम सिस्टम आगे की तरफ बढ़े, यहाँ पर है इसको सेलेक्ट करते हैं, ये हो गया। आप देखिए तो ये थोड़ा स्टेम की तरह इसको सीधा कर लेते हैं, हमें स्टेम हमारा ऐसे होता है। अब इसमें स्टेम सिस्टम को ला सकते हो, थोड़ा इंसोड़ा है तो इसको कर लो थोड़ा पतला, ठीक है। यहाँ पर लगा दो इसको, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है तो इसको अगेन जाओगे आप यहाँ बैक का ऑप्शन दे दो, ये बैक हो जाएगा, और इसके अंदर थोड़ा इसको छिपा दो, छिप गया, ठीक है। और उसको उसी स्टेम को फिर यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करो, ये आपका स्टेम आ गया। और फिर ये इसी को यहाँ पर लेके जाओ ऐसे लगा दो, और फिर यहाँ बैक कर दो इसको, और लास्ट में एक लास्ट लीफ लगाने जा रहा हूँ मैं। तो ये देखिए अब मैं लास्ट लीफ लगा दिया इसके ऊपर, जिससे कि आपका स्टेम जो है वो कवर्ड रहेगा। अब हम ये हमारा बन गया, एक सीड से रूट बना, रूट से सूट बना, दोनों चीज हमारे बन गए। लेकिन अभी क्या है, हमें कलर देना है, तो कलर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करते हैं, रूट को पहले सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए पूरे रूट सिलेक्ट हो गए, इसको हम जाते हैं इसको कलर देते हैं थोड़ा सा रेडिश, ठीक है। लेकिन आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो ब्लू ब्लू सा दिख रहा है ना, तो इसको अगेन एक बार काम कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और आउटलाइन से इसको नो आउटलाइन कर दीजिए। अब आपका देखेंगे ये रूट सिस्टम जो है टोटली आपका हो गया एक दूसरे कलर का, आपका स्वीट कलर अच्छा है। ऐसे ही आप लीफ को जाइए, लीफ को आप एक काम कीजिए पूरे को सिलेक्ट कीजिए, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पूरे को सिलेक्ट कर लिया, और इसका कलर हम दे देते हैं जैसे ग्रीन होता है, तो ये हमने ग्रीन दे दिया इसको, ठीक है, डार्क ग्रीन हो गया। अब ये सूट सिस्टम की तरह बन गया, अब हमारा क्या हो गया, रूट सीड बन गया, रूट बन गया और सूट बन गया। अब हमें क्या करना है, इनको पूरे को, अब सोचिए कि आपको एनिमेशन कैसे देना है, मतलब पहले सीड आना चाहिए, तब रूट आना चाहिए, तब आपका धीरे धीरे सूट ग्रो होना दिखना चाहिए, ये होना चाहिए क्रम, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले क्या किया, सीड मेरा आएगा, सीड जैसे हम दिखाएगा कि ये सीड जर्मिनेट हो रहा है, तो हम जाएंगे एनिमेशन में और यहाँ ऐड करेंगे एनिमेशन, और एनिमेशन ऐड में हम इसको जस्ट सिंपली देंगे क्या, फैड, ये फैड देंगे, जिससे क्या ये होगा वहां पर विजिबल होगा जैसे सीड आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे रूट सिस्टम को मेरा आना चाहिए, तो इस रूट सिस्टम को हम पूरा सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया, इसको हम क्या करते हैं ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप हो गया, एक ग्रुप हो गया पूरा रूट सिस्टम, अब आपका देखोगे ग्रुप है, कोई ये अलग नहीं है, अब ये ग्रुप है तो ग्रुप हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, इस पूरे सूट सिस्टम को ग्रुप कर देंगे, ठीक है। ये पूरे सूट सिस्टम को हमने ग्रुप कर लिया,
तो अब ग्रुप हो गए सूट सिस्टम भी और रूट सिस्टम भी। एनिमेशन मैंने सीट को दे दिया है। अब पहला हम सिलेक्ट करेंगे कि अब हमको रूट को जर्मिन दिखाना है कि निकल रहा है। तो रूट के लिए अब मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और फिर एनिमेशन में गया। और याद रखिएगा यहाँ पर एड एनिमेशन का ही हम यूज करेंगे क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं एनिमेशन एक साइड पर कई एनिमेशन। तो यहाँ ऐड में गए। अब यहाँ पर जो ऑप्शन देंगे हम वे विप का ऑप्शन देंगे, ठीक है। लेकिन ये ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं हमको सिलेक्ट करना है ये फ्रॉम टॉप से बिलो। और ये बहुत फास्ट दिख रहा है, फास्ट नहीं करना है इसको, हमको बहुत स्लो करना है। यहाँ टाइम ड्यूरेशन हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से हम सूट सिस्टम को भी सिलेक्ट करेंगे और एड एनिमेशन पर जाएंगे। और एड एनिमेशन पर जाके हम विप का ऑप्शन देंगे। और देखिए इसका तो सही है, फ्रॉम इफेक्ट जो है आपका ये है फ्रॉम बॉटम टू बॉटम से है, लेकिन बहुत फास्ट है। इसको भी हम जाएंगे और यहाँ पर से टाइम ड्यूरेशन बढ़ा लेंगे धीरे धीरे आराम से, ठीक है। तो अब ये रहा जैसे क्या हुआ सीड। अब एक नंबर पर देखो एनिमेशन सीड है, दूसरे पर ये रूट है, और तीसरे पर ये निकलेगा, ठीक। तो अब हम जाएंगे यहाँ पर एनिमेशन पैन में, और एनिमेशन पैन में जाके यहाँ पर इसका ऑप्शन यहाँ पर वंस ये क्लिक है और ये भी ऑन क्लिक है। तो इसको क्या कर देंगे हम आफ्टर प्रीवियस कर देंगे, और इसको भी हम क्या कर देंगे आफ्टर आफ्टर स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। अब हम अब देखते हैं, अब जैसे हम इसको एनिमेशन को ड्रा करेंगे तो आप देखो एक बार क्लिक कीजिए सीड आया रूट आया, अब आपका सूट सिस्टम आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से सीड को आप स्वयं किए जर्मिनेट हुआ और सूट निकला। इस तरह से आप कभी भी कहीं पर प्रेजेंटेशन देना चाहोगे तो इस तरह से दे सकते हो और ऐसे बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा और ये हेल्पफुल होगा आप कैसे सीड या जर्मिनेशन का एनिमेशन बना सकते हो। तो इसको लाइक करना, कैसा है फीडबैक देना और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना।